जीवन में जब जब भी विकट परिस्थिति आए तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ये सब ईश्वर की ही एक योजना है जिसके तहत मेरे पुराने पाप कट रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग है इसका कि एक महिला ने शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखा। संतोषी माता का व्रत करके उसने पूजा पाठ निवेद जो भी उसे करना था सब किया, चने की दाल का निवेद लगाया। संयोग ऐसा रहा साहब कि उसी दिन एकादशी भी थी और उसी एकादशी के दिन एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने अलग जगाई, कुछ भिक्षा दे दो। उसने शुक्रवार का व्रत रखा था संतोषी माता का। उस बिचारी को हड़बड़ाहट में याद नहीं रहा कि आज एकादशी भी है और बाबा को भी याद नहीं रहा कि एकादशी है। बाबा आए और भिक्षा मांगने लगे। इसने कहा कि बाबा आज मैंने व्रत रखा था, आज संतोषी माता का व्रत है, आप प्रसाद ले लो। तो उसने प्रसाद दे दी, प्रसाद में चने की दाल। अब महात्मा जी ने भी भावुक होकर के वो प्रसाद ले लिया। काय का प्रसाद था वो? चने की दाल का। वो चने की एक दाल चली गई पेट। थोड़ी देर बाद वो महिला घबराती घबराती आई और कहने लगी, अरे बाबा मेरे से बड़ी गलती हो गई, आज तो एकादशी है और आप तो महात्मा लोग आप एकादशी करते हो, मैंने आज शुक्रवार का दिन था तो चने की दाल का निवेद लगाया और याद मुझे भी ना रहा, मैंने आपको चने की दाल प्रसाद के रूप में दे दी। बाबा मेरे से गलती हो गई, बाबा ये चने की दाल से आपकी एकादशी गल गई। शब्द को पकड़ना, क्या कहती हो? एक चने की दाल के कारण आपकी एकादशी गल गई। तो बाबा भी बड़े पहुंचे हुए थे, वो कहने लगे, अरे माई मैंने भी कई वर्षों से विरक्त भाव से एकादशी की है और इस एकादशी पर मैंने भगवान का खूब खूब भजन किया है। मैं भगवान की याद में भाव विहल रहता हूँ, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। तो माई यदि तेरी एक चने की दाल मेरी एकादशी को गला दे तो क्या मेरा इतना भजन और इतनी एकादशी एक चने की दाल को नहीं गला सकती? मैं भी अब इस दाल को गलाऊंगा। काय से? मेरी इसी एकादशी से गलाऊंगा। एक दाल से कहा गया कि एकादशी गल जाए तो क्या एकादशी से दाल नहीं गले? बोलो। मैंने भी खूब माला जपी है, खूब ध्यान लगाया है, खूब उसकी साधना उपासना करी है, खूब गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने भी पाठ किया है, तो माई मुझे विश्वास है कि मैं अपने भजन भाव से उस चने की दाल को गला दूंगा, मेरी एकादशी नहीं टूटी है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध चने की दाल है और ये चने की दाल सबके पेट में है, हमारे पेट में भी है, आपके पेट में भी है, सबके पेट में, आगे से लेके पीछे तक सबके पेट में ये प्रारब्ध रूपी चने की दाल है। और समझो इस बात को, इस कथन को, कि ये प्रारब्ध की दाल काय से गलेगी? ये प्रारब्ध की दाल भगवान के भजन से ही गलेगी।